अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए रात का टाइम है और एक नए ब्लॉग के साथ आई हूँ। हम लोग रात में निकल रहे हैं किसी को लेने के लिए। ये देखिए सो गए थे हस्बैंड, बच्चे लोग भी सो गए थे, फिर उठे हैं। देखिए 1:15 का टाइम हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि आ रही हैं मम्मी मेरी। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट 3-4 ब्लॉग पहले, जब मेरा भाई गया हुआ था इंडिया, तो अभी वो वापस आया है, तो उसके साथ मम्मी भी वापस आई हैं, तो उनको पिक करने जा रहे हैं। और ये देखिए आया है शारजा एयरपोर्ट, तो शारजा एयरपोर्ट पे लैंड हुई हैं और बस उनको हम लोग रिसीव करने के लिए आए हैं। और ये देखिए आ गया भाई और आ गई मम्मी, तो बहुत सालों के बाद आई हैं। जब जोहान पैदा हुआ था और जायद पैदा हुआ था तब आई थी, उसके बाद अब आई हैं। ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो रहे हैं उनको आके, तो हर बार बुलाते थे नहीं आती थी, इस बार आ गई हैं। और फिर देखिए गाड़ी में बैठे हम लोग और जा रहे हैं घर की तरफ। टाइम हो रहा है रात के कुछ 1:30 या 1:45 हो रहे होंगे, तो इतनी रात में रिसीव करने गए। और फिर घर आके मैंने खाना लगाया, क्योंकि सब लोग सो रहे थे, तो बच्चे भी सो रहे थे रूम में और एक तरफ मेरी सास सो रही थी, तो मैंने किचन में ही मैट बिछा दिया और मैंने गर्म आटा वाटा गूंद के गई थी कि जैसे ही आएंगे और मैं गर्म गर्म रोटियां बना के दूंगी। तो वही देखिए मैं रोटियां बना रही हूँ गर्म गर्म, फ्रेश फ्रेश, ताज़ी ताज़ी, और दे रही हूँ मम्मी लोग को, बिठा दिया, आप लोग खाइए, मैं गर्म गर्म रोटी डाल के देती जा रही हूँ। टाइम भी देख सकते हैं आप लोग, 2:30 रात में मैं गर्मा गर्म रोटियां बना रही हूँ और दे रही हूँ, क्योंकि गर्म गर्म रोटी खाने का कुछ अच्छा होता है। ठंड में रोटी जो है, आजकल विंटर्स चल रहे हैं तो रोटी ठंडी हो जाती है। और ये नेक्स्ट वीक का ब्लॉग है, शायद जुहान सुबह सुबह उठे मेरे गुस्से आ गए क्या, तुमने गुस्से आ गए, मम्मी लोग इतना गुस्से आ गए, जब वापस आए आप कैसे आ गए, मुझे मिल के खुश हो गए। नानी को कुछ तो बनाया है जाहिद ने, फोन है ना, देख रहा है, चले गए और डिस्टर्ब नहीं किया। और ये देखिए सूटकेस जब खाली करी मम्मी निकाली, तो एक सूटकेस में खाली ये सारी चीजें ही थी, मिठाइयाँ थी, टोस्ट था और पता नहीं क्या क्या चीजें थी जो अभी सर्दियों के टाइम पे नहीं चल रही है, सेवइयां हैं, सर्दियों की जो चीजें हैं जैसे गजक वगैरह, घी, मूंगफली और मिठाइयाँ और पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीज़ें लेकर आई थी। तो इन सारी चीज़ों से ही एक बैग पूरा फुल हो गया था। और देखिए बच्चे आ गए स्कूल से और आज जुमे का दिन है, तो बस इन लोगों को नहा के रेडी कर दिया है मैंने और जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, क्योंकि मामू थे, भाई था मेरा, तो ऐसे तो हस्बैंड ऑफिस में ही रहते हैं ना, फ्राइडे के दिन मैं लेके जाती हूँ, तो भाई था मेरा जा रहा था, तो भाई के साथ जाय जहान दोनों चले गए नमाज़ के लिए। अच्छा लगता है ना जुमे के दिन जब मस्जिद जाते हैं बच्चे, अच्छा कुर्ता पजामा वगैरह पहन के जाओ तो अच्छा लगता है। बच्चों का कुर्ता पजामा भी रखे रखे छोटे हो रहे, पहनना ही नहीं हो पाता है बच्चों को, देख के पजामा ऊंचा हो गया जोहान का, और आगे अल्लाह हाफिज़ बोल के गया। और उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ ली हम लोगों ने, खाना वाना खा लिया, तो फिर देखिए मम्मी गिफ्ट लेकर आई थी, ड्रेसेस वगैरह मेरे लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, तो वही दिखा रही थी। तो ये देखिए मेरे लिए एक ड्रेस लेकर आई थी, ये वाला तो अच्छा लग रहा था, कलर इस कलर का है भी नहीं मेरे पास। और वो बच्चों के कुर्ता पैजामा सब सिलवा के लेकर आई हैं बना के, कि ईद में पहन लेंगे बच्चे लोग। और मेरी सास भी थी तो उनके लिए भी लेकर आई हैं, तो उनको देने जा रही हैं। ये देखिए कि मेरी सास को भी दे रही, सबके लिए लेकर आई थी मम्मी गिफ्ट्स, अब इतने साल के बाद आई थी तो वैसे भी लेकर आती हैं। और ये शीरिन भाभी मेरी देवरानी हैं, उनका है, तो वही दिखा रही थी कि उनके लिए ऐसा कलर का लेकर आई हैं। ये फिर उसी दिन शाम की है, दिन का ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, उसी दिन शाम की है। यहाँ पे हम लोग चिकन वगैरह धो रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है बारबेक्यू में जाना था हम लोगों को। तो देखिए चिकन वगैरह मैंने धो दिया, अब इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ, क्योंकि खूब सारा चिकन और बारबेक्यू, 3-4 फैमिलीज आ रही थी। देखिए दही मिलाया, दही में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करी हूँ और सारे मसाले जल्दी जल्दी से मैं ऐड कर लूँगी इसमें। गर्म मसाला हो गया, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, लाल मिर्च और सारे मसाले जो भी चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया है मैंने। मिर्ची वगैरह थोड़ा सा और डाल दिया है ताकि अच्छा से रहे, स्पाइसी भी रहे। और ये देखिए काली मिर्च मिला रही हूँ, काली मिर्च मिलाने से भी टेस्ट अच्छा आता है चिकन का। और तंदूरी मसाला मेरे पास रखा था, उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। तो सारी चीज़ें मैंने दही में अलग से ऐड कर लिया, और नमक मिला रही हूँ इसमें। और ये कसूरी मेथी है, इसको भी मैं हाथ से रब रब करके इसमें डाल रही हूँ। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा चिकन में टेस्ट आता है, चाहे आप ग्रेवी बनाएं चाहे आप ग्रिल करें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए फ्रूट कलर भी इसमें
इसमें ऐड कर दिया, नींबू का रस भी ऐड कर दिया, और फिर जो बाकी नींबू बचा इसको इस सिलिकॉन का जो कवर आता है उससे मैंने ढक करके फ्रिज में रख दिया। इसको ढकने से ना खराब नहीं होता। और ये देखिए ये दो पीस में डिवाइड कर दिए, छोटे छोटे जो पीसेस थे उसको अलग कर लिए, बड़े बड़े पीसेस में हम लोग ने मसाले लगा के इस तरह से रख दिए, और जो बड़े पीसेस है उसी को लेके जाएंगे हम लोग ग्रिल करने के लिए, मतलब बारबेक्यू के लिए। जो छोटे छोटे पीसेस थे ना, कभी कभी चिकन के साथ वो छोटे पीसेस आ जाते हैं ना, जैसे नेक के और विंग्स, ये थोड़ा छोटे पड़ जाते हैं ना, तो उसको हम लोग ने अलग से सेपरेटली करके रख लिया कि घर में हम लोग उसको एयर फ्रायर करके खा लेंगे। हस्बैंड पूरा हस्बैंड नहीं पूरी हेल्प करी, उन्होंने ही चिकन धोया और मैंने सारा मसाला मिक्स किया, तो उन्होंने पूरा मसाला लगाया और इस तरह से वो पैक कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग ने फॉइल में पैक करके रख दिया, एक जो हम लोग कल बारबेक्यू के लेके जाने वाले हैं, और दूसरा एक घर में हम लोग फ्रीज़र में डाल देंगे, मतलब किसी भी दिन बना के उसको ग्रिल करके घर पे खा लेंगे। देख सकते हैं आप लोग इसमें छोटी पीसेस। और ये देखिए सारे चिकन हम लोगों ने इस तरीके से फॉइल के अंदर पैक कर दिया है, और जो लेके जाने वाले हैं वो ये है, तो इसको भी पैक कर लेते हैं और फ्रिज में डाल देते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, अब निकलने की तैयारी हो रही है, और ये सारी चीज़ें मैं पिकनिक बैग में सारी चीज़ें डाल रही हूँ। वो पनीर था जो मैंने डाला था मम्मी के लिए, पनीर हम लोगों ने वो किया था, मैरिनेट करके रखा था क्योंकि वो नहीं खाती है चिकन। और ये मैंने मूंगफली रखा है और चिकन रखा हुआ है, और ये देखिए रेडीमेड वो पाउडर वाली टी होती है ना, गर्म पानी में डालो, वो मैंने रख लिया है चाय पीने के लिए। और भी जो जो चीज़ें याद आ रही थी सब मैं रखती जा रही थी, प्लेट्स, ग्लासेस, और यहाँ पर मैं चाय बना रही थी सुलेमानी चाय, और यहाँ मैंने बॉटल से भर के, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पानी वो करते हैं, तो ये देखिए मैंने चाय भी इस तरह केतली में भर के रख ली और पानी की बॉटल्स भी रख ली है। और ये बैग है जो हमारा पैक हो गया है, बस अब रेडी हो जाएंगे और निकलने की तैयारी करेंगे। ये देखिए, और मैंने बाद में मुझे याद आया कि मैंने क्यूकम्बर नहीं रखा, तो मैंने बाद में क्यूकम्बर भी रख लिया, और ये मेरा बैग पैक हो गया है, और हम लोग बस निकल गए हैं पार्क में जाने के लिए जहाँ हम लोग का बारबेक्यू है। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं और हम लोग ने जगह वगैरह ले ली हैं, और बस देखिए पार्क का एरिया देखिए किस तरह से है, इस तरीके से बेंच वगैरह लगी हुई हैं, हम लोग चेयर्स वगैरह लेकर आए थे घर से ताकि आराम से बैठ के इंजॉय करेंगे, रिलैक्स होंगे। और ये देखिए सबसे पहले तो शुरुआत की हम लोगों ने सुलेमानी चाय से, चीनी मैं अलग से लाई थी, किसको कितना चीनी चाहिए वो उसमें डाल सकते हैं। देखिए चाय निकाल रही हूँ मैं और सबको चाय सर्व करते हैं, और सर्दी का मौसम है तो चाय का कोई टाइम नहीं होता है, कभी भी मन करे बस कभी भी पी लेना चाहिए चाय। तो ये दोपहर का टाइम था, यहाँ पे मूंगफली हम लोग खा रहे थे, मम्मी आई थी इलाहाबाद से लेकर आई थी, तो ये देखिए मूंगफली खा रहे हैं हम लोग और साथ ही काली चाय पी रहे हैं, सुलेमानी चाय। और यहाँ पे देखिए आग जला दी गई है अंगीठी, और बस आग अच्छी से जल जाएगी तो इसमें हम लोग पहले कॉर्न भूनेंगे। देखिए कितनी अच्छी आग जलाई हुई है, ऊपर से अंगीठी रख दिया है ताकि आग जल्दी पकड़ ले। और ये है पार्क, देखिए कितना खूबसूरत पर्पल पर्पल फ्लावर लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि इतना खूबसूरत लग रहा था। और बिल्लियाँ देखिए कितनी ढेर सारी यहाँ पे कैट्स बैठी हुई हैं, सब जैसे इंतज़ार कर रही हूँ कि दावत शुरू होने वाली हो और सबसे पहले इन्हीं को सर्व किया जाएगा। इतनी सारी कैट्स बैठी हुई थी, और देखिए जब तक अच्छी सी आग जल गई थी, और यहाँ पे भुट्टा जो है कॉर्न उसको फ्राई किया जा रहा था। और देखिए धूप कितनी अच्छी आ रही है, दोपहर का टाइम है तो अच्छी धूप आ रही है, और हस्बैंड मेरे फ्राई कर रहे हैं, भून रहे हैं भुट्टा। और भुट्टा भुन गया है, और देखिए नमक वगैरह छिड़क के नींबू वगैरह लगा के हम लोग खा रहे हैं, और सर्दियों में अच्छा लगता है भुट्टा खाना। और उसके बाद देखिए चेस्टनट जो होते हैं वो उसको भून रहे थे, ये देखिए चेस्टनट फ्राई हो रहे थे, और ये देखिए वो चेक कर रहे हैं सही से भुना है कि नहीं भुना है। और यहाँ देखिए बच्चे लोगों के लिए खेलने की जगह भी थी, तो बच्चे लोग अपना पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। देखिए झूले वगैरह भी थे, और ये लोग स्कूटर लेकर आए थे, और नया पार्क है ये तो काफ़ी एकदम साफ़ सुथरा अच्छा, और दुबई में तो वैसे भी साफ़ सुथरा रहता ही है। यहाँ पे देखिए बच्चे अपना झूला वूला झूल रहे हैं, खेल रहे हैं, स्कूटर राइड कर रहे हैं, मतलब इन लोग की तो असल पिकनिक है, पिकनिक मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
और फिर मगरिब का टाइम हो गया था तो सब लोग नमाज़ पढ़ रहे, देख सकते हैं पीछे सब लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं और हस्बैंड मेरे नमाज़ पढ़ा रहे थे, बच्चे लोग भी सब लाइन से खड़े हुए थे। और फिर हम लोग ने सब ये चिकन विकन लगाना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए चिकन टिक्का था, अलग अलग तरीके के सब लोग मैरिनेट करके लेकर आए थे, तीन चार फैमिलीज थी ना तो सब लोग अलग अलग तरह से अलग अलग मैरिनेशन में लेकर आए थे। तो देखिए जो हम लोग ने मैरिनेट किया था कल वो सिगड़ी में जा रहा है, उसको फ्राई करने वाले हैं। और देखिए शाम हो गई, मगरिब के बाद का टाइम था तो पहले इसको इसको बारबेक्यू करेंगे, ग्रिल करेंगे। और उससे पहले ये था कि पहले चाय बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो ये देखिए रेडीमेड जो पाउडर मैं लेकर आई थी ये वही है, और उसी में को बस गर्म पानी मिला दिया और चाय बन के रेडी हो गई है। ये पूरा रेडीमेड मिक्सचर है चाय का, बस पाउडर डालो और गर्म पानी डालो और चाय रेडी हो जाती है। तो ये देखिए किस तरह से हम लोग की चाय रेडी हो गई है, बस चाय सबको सर्व कर रहे हैं क्योंकि ठंड का मौसम था तो ठंड में चाय अच्छा लगता है पीना। और यहाँ पे देखिए सारे जेंट्स लोग जो है चाय इंजॉय करते हुए और साथ ही साथ वो टिक्का वगैरह उसको बारबेक्यू कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन लोग के गप्पे भी लड़ा रहे हैं। देखिए सब खड़े हुए हैं लाइन से, चाय पी रहे हैं, चाय के मज़े ले रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग टेबल सेट कर रहे थे, चाय वाय के बर्तन हटा रहे थे, टेबल सेट कर रहे थे, चटनी हुम्मस खुबुस सब निकाल के रख रहे थे, बच्चों को भी रेडी कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स है, ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल है मगर एकदम ओरिजिनल फ्लावर था जिसको मैंने बॉटल में लगा दिए जैसे डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए टेबल को सेट किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सैलड वगैरह कट रहा है, प्लेटें वगैरह लग गई हैं, सबको बिठा दिया गया है। देखिए मम्मी भी बैठी हुई हैं, मेरी सास भी बैठी हुई हैं और बच्चों को भी बुलाया जा रहा है कि सब लोग बस बैठ जाओ, जैसे ही चिकन आएगा बस सब लोग टूट पड़ना। और ये देखिए बच्चे बैठ गए हैं और वो लोग क्या क्यूकम्बर पे ही टूट पड़े, क्यूकम्बर खाने आए। वही हम लोग, तुम लोग चिकन खाने आए हो या क्यूकम्बर खा रहे हो? तो उन लोग को हम लोग ने मना किया खाने के लिए। ये देखिए सब बच्चे बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, और ठंडी अच्छी खासी है तो जैकेट वैकेट पहन के सब लोग बैठे हुए हैं। और ये देखिए चिकन आ गया है गर्मा गर्म, तो बस सबको बच्चों को दिया जा रहा है कि पहले बच्चे खा ले। और ये देखिए दूसरा टिक्का भी रेडी होके आ गया है, तो एकदम गर्म गर्म जब एकदम ग्रिल होके आता है तो कितना अच्छा उसका टेस्ट लगता है ना। तो ये देखिए सब गर्मा गर्म हस्बैंड लोग बना के दे रहे हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोग खाते भी जा रहे हैं, बनाते भी जा रहे हैं, टेस्ट भी करते जा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं। तो गर्म गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और होता है बारबेक्यू का। और ये देखिए यहाँ सब बच्चे पार्टी बैठा हुआ है, सब खा रहे हैं। और फिर यहाँ पे देखिए बीफ का भी स्टीक भी पसंदा जिसको बोलते हैं वो भी रेडी होके आ गया है। उसके बाद हम लोग बैडमिंटन खेलने लगे, यहाँ पे देखिए मम्मी खेल रही हैं इतने सालों के बाद बैडमिंटन, तो वही मम्मी से कह रहे थे मम्मी मत खेलिए इतने सालों के बाद खेल रही हैं थक जाएंगी। और उसके बाद मैंने भी खेला, ये देखिए मैं भी खेल रही हूँ। बस सब लोग बारी बारी करके बैडमिंटन खेल रहे थे और देखिए बच्चों के साथ, और काफ़ी मज़ा आ रहा था, मौसम भी अच्छा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था खेलने में, और ज़रा भी थकावट फील नहीं हो रही थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था। हम लोग ने सबने खूब इंजॉय किया। ये देखिए और फिर देखिए फिर मैं आके कमान संभाल लिया है मैंने आके, और मैं बारबेक्यू कर रही थी, मतलब बारबेक्यू वो जो ग्रिल होता है मैं वो कर रही थी, और हस्बैंड लोग सब लोग बैठ के खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे वो अपना गरम गरम। तो मैंने कहा अच्छा आप लोग जाके बैठ के खा लीजिए और तब तक मैं इसको पलट देती हूँ और मैं चेक कर लेती हूँ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए और काफ़ी अच्छा लग रहा था गरम गरम चूल्हे के पास खड़े हो, गरम गरम एकदम आँच आ रही थी और फिर बन रहा था। हम लोग तो पहले खा चुके थे, अब यहाँ पे सब लोग बैठ के खा रहे थे जेंट्स लोग, और उन लोग की अपनी चल रही थी, गपशप चल रही थी, बातें चल रही थी और खा रहे थे, और एक तरफ बच्चे इंजॉय कर रहे थे और एक तरफ बाकी लेडीज़ अपना वॉक पे निकल गई थी, पार्क एक्सप्लोर करने निकल गई थी, और मैं यहाँ पे खड़ी भी थी। देखिए सारी चीज़ें हैं, और बाकी जो भी बचा था क्योंकि बहुत सारा सबने मैरिनेट करके लेकर आ गए थे, तो जो भी बचा था उन सबको हम लोग ने ग्रिल कर लिया था और पैक कर लिया था। ये देखिए एक एक बॉक्सेस बना लिए थे
और पैक कर लिए थे। और लास्ट में फिर आई कॉफ़ी की बारी, तो चूल्हा गर्म था, कोयला, और उसमें ही दूध उबल रहा था और फिर कॉफ़ी बनेगी। ये देखिए यहाँ पे सब पैकिंग शैकिंग चल रही है, रात हो गई है और यहाँ पे देखिए कॉफ़ी बन रही है। यहाँ पे लड्डू वो जो इलाहाबाद से आए थे तो चूल्हे के पास रख दिया ताकि थोड़ा गर्म हो जाए तो खाने में अच्छा लगे, क्योंकि वो घी जम जाता है ना लड्डू में, मोतीचूर के लड्डू थे देसी घी के। और बारी बारी सबने लड्डू खाया और सबको बहुत पसंद आया इलाहाबाद के लड्डू, वैसे अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये एक न्यू पार्क है तो यहाँ पे हम लोग आए हैं बारबेक्यू करने के लिए। हमारे घर के पास है ये जो एकेडमिक सिटी है वहाँ पर ये पार्क है, जो लोग दुबई में रहते हैं सिलिकॉन ओएसिस के पास, तो सिलिकॉन ओएसिस के पीछे जो एकेडमिक सिटी है जहाँ सारी यूनिवर्सिटी है, तो बिरमिंघम यूनिवर्सिटी के सामने ये पूरा पार्क बना है, ये न्यू पार्क बना है और बारबेक्यू के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये देखिए जावेद भाई वो कॉफ़ी बनाते हुए, और काफ़ी अच्छे कॉफ़ी बनाते हैं, तो जब भी बारबेक्यू होता है उन्हीं की ड्यूटी होती है कॉफ़ी बनाने की। कॉफ़ी बन गई है और ये देखिए सबके लिए कॉफ़ी निकाल दिया गया है, अब हम लोग कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के बाद ये देखिए हस्बैंड लोग का टर्न आया, वो लोग बैडमिंटन खेल रहे थे और ये देखिए हस्बैंड खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छा खेल रहे थे ये लोग भी। और रात हो गई थी, 11-12 बज रहे थे इस वक्त, बस हम लोग निकलने की तैयारी में थे तो इन लोगों ने सोचा इन लोग भी खेल ले। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं तक का, फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।